मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों एक ऐलान किया गया कि 16 अप्रैल नूं असी दो होर उम्मीदवारों का ऐलान करांगे। यानी आम आदमी पार्टी हुण तक 9 उम्मीदवार ऐलान चुकी है ते 16 अप्रैल नूं दो उम्मीदवार होर ऐलाने जाणगे। जलंधर तो ते लुधियाणा तो दोनों थावां तो आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेगी। तरीक दस दिती है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। खुद उन्हां वल्लों ये जानकारी सांझी की गई है कि 16 अप्रैल तक दो होर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। यानी हुण तक 9 उम्मीदवार ऐलाने जा चुके ने ते दो होर उम्मीदवार ऐलाने जाणगे 11 और कुल 13 उम्मीदवार जिहड़े ने पंजाब दे उह ऐलाने जाणे ने। 13 सीटां ने लोक सभा दीआं ते दो दो करके हुण जिहड़े अगले 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आउणगे, पहलां जलंधर ते लुधियाणा, फिर उस तों बाद जिहड़ियां होर सीटां बचियां ने उहनां ते पार्टी अपना उम्मीदवार ऐलानेगी। सो हुण तक पार्टी वल्लों जिहड़े ने 5 कैबिनेट मंत्री चोण मैदान च उतारे जा चुके ने। एक गुरप्रीत जी पी ने, एक करमजीत अनमोल ने, एक राजकुमार चब्बेवाल ने, एक मलविंदर सिंह कंग ने और 5 मंत्री ने जिन्हां दे विच कुलदीप धालीवाल ने, जिहड़े गुरमीत सिंह खुडिया ने बठिंडा तो जिन्हां नूं कैंडीडेट बनाया गया। कुलदीप धालीवाल नूं अमृतसर तो टिकट दित्ती गई है। मीत हेयर नूं संगरूर तो चोण मैदान दे विच उतारिया गया है, लोक सभा उम्मीदवार बनाया गया है। लालजीत भुल्लर नूं खडूर साहब जिहड़ी सीट है उत्थों चोण मैदान दे विच उतारिया गया है। और एक 5वें जिहड़े आम आदमी पार्टी दे होर कैबिनेट मंत्री ने उन्हां नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया है। 5 जिहड़े मंत्री हुण तक पार्टी, डॉक्टर बलबीर जिहड़े पटियाला तो जिन्हां नूं सीट दित्ती गई है, सो 5 मंत्री कैबिनेट मंत्री चोण मैदान दे विच ने। उस तों इलावा फरीदकोट तो करमजीत अनमोल ने, फिर जिहड़ी आनंदपुर साहब सीट है उत्थों मलविंदर कंग ने, जिहड़ी हुशियारपुर सीट है उत्थों राजकुमार चब्बेवाल ने। सो इन्हां सीटां दा ऐलान हुण तक पार्टी कर चुकी है ते जलंधर ते लुधियाणा दीआं दो सीटां दा ऐलान 16 अप्रैल नूं कीता जाएगा। खुद मुख्यमंत्री वल्लों ट्वीट करके जानकारी दित्ती गई है। सीएम ने अपने ट्वीट दे विच सिर्फ एक लाइन दा ट्वीट है, उन्हां लिखिया कि जलंधर ते लुधियाणा दीआं सीटां ते उम्मीदवारां दा ऐलान 16 अप्रैल नूं होएगा। अगे लिखिया जिंदाबाद। सो सीएम भगवंत मान ने खुद इसकी जानकारी सांझी की है। वो चेहरे असी दिखा रहे हाँ जिहड़े हुण तक आम आदमी पार्टी वालों ऐलाने गए ने, जिहड़े कुलदीप धालीवाल अमृतसर तो, उस तो बाद जिहड़े ने खडूर साहब तो लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह खुडिया बठिंडा, मीत हेयर संगरूर, डॉक्टर बलबीर पटियाला, करमजीत अनमोल फरीदकोट, गुरप्रीत सिंह जी पी फतेहगढ़ साहब, मलविंदर सिंह कंग आनंदपुर साहब ते डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हुशियारपुर तो। सो 9 सीटां जिहड़ियां ने हुण तक ऐलानियां जा चुकियां ने। उधर जिहड़े संभावी उम्मीदवार भी कौन कौन हो सकदे आ, जे असीं जलंधर सीट दा जिक्र करिए तां चरणजीत चन्नी दा नाम काफ़ी चर्चा दे विच चल रहा है। जलंधर सीट तो कांग्रेस पार्टी वालों, कांग्रेस पार्टी चरणजीत चन्नी नूं उम्मीदवार बना सकती है और दूसरियां पार्टियां बीजेपी सुशील कुमार रिंकू नूं उम्मीदवार ऐलान चुकी है जलंधर सीट तो। ते हुण आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होएगा ये देखना काफ़ी अहम होएगा। उधर लुधियाणा तो भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, रवनीत बिट्टू जिहड़े बीजेपी दे विच शामिल होए। कांग्रेस ने हले तक लुधियाणा तो अपने पत्ते नहीं खोले ते बीजेपी ते आम आदमी पार्टी हुण किहड़ा उम्मीदवार 16 तरीक नूं चोण मैदान दे विच उतारदी है ये देखना होएगा। सो लुधियाणा ते जलंधर दोनों ही अहम सीटां ने, शहरी सीटां, निरोल शहरी सीटां इन्हां नूं गिणिया जांदा है। शहरी सीटां ने हुण इन्हां शहरी सीटां दे विच किस तरीके दा जिहड़ा जोड़ घटाओ है वह बैठदा है, क्योंकि जदों पार्टियां चोण मैदान दे विच कैंडीडेट उतारदियां ने तां बहुत सारियां चीज़ां नूं ध्यान दे विच रख्या जांदा है। बड़ियां सारियां इक्वेशन देखियां जांदियां, उत्थे वोट बैंक देखे जांदे है कि किस तरीके दा वोट बैंक है और उस वोट बैंक नूं किहड़ा उम्मीदवार जिहड़ा है अपने वल खिंच सकदा है। पार्टी बेशक अपनियां नीतियां दी गल करदी है, अपने कार्यकाल दी गल करदी है, पर उम्मीदवार की चोण जिहड़ी है बहुत हद तक इस चीज़ पर निर्भर करती हुंदी है कि उस इलाके का जिहड़ा वोट सिनेरियो है वह की कहिंदा है, उत्थे वोट परसेंटेज किहड़ी कम्यूनिटी की ज़्यादा है। इस करके कई बारी उन्हां उम्मीदवारां नूं भी तरजीह दित्ती जाती है। सो वड्डे चेहरे हर पार्टी की कोशिश है कि चोण मैदान दे विच उतारे जाण, क्योंकि लोक सभा का एक वड्डा रण है और इस रण नूं जित्तण लई चेहरे भी उन्ने ही मजबूत होने चाहिए है। सो 16 अप्रैल नूं आम आदमी पार्टी जलंधर ते लुधियाणा दे उम्मीदवारां दा ऐलान करेगी।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अरविंद केजरीवाल जेल विच बंद ने, आम आदमी पार्टी अते भाजपा दिल्ली दे विच सियासी जंग लड़ रहे ने, पर इस विचाले आम आदमी पार्टी दे लई उस समय होर वड्डा संकट पैदा होया जदों दिल्ली सरकार दे विच मंत्री अते पटेल नगर तो विधायक राजकुमार आनंद ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। उन्हां ना सिर्फ मंत्री दा अहुदा छड्डिया सगों पार्टी नूं ही अलविदा आखदिआं आम आदमी पार्टी ते गंभीर इल्जाम लगाए। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज यह पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। राजकुमार आनंद ने पार्टी तो इस्तीफा दिता तो आम आदमी पार्टी के आगुआ ने भाजपा के खिलाफ शब्दी तीर छड़न दे विच देर नहीं की ते अपने आगुआ नूं परेशान करने दे इल्जाम लगा दिते। भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई, आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रिजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपने देखा ही होगा। पार्टी के सवाल चुके गए तो भाजपा नेता तरुण चुग सामने आए, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने आम आदमी पार्टी नूं कटहरे विच खड़ा कर दिता। आज का ये इस्तीफा बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके जिस तरह केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने काम किया है उससे कईयों का मन टूटा है और ये कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री अहुदे तो इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद के कोल 7 महकमे सन, जिन्हां विच गुरुद्वारा इलेक्शन, एससी अते एसटी विभाग, समाज भलाई, कोऑपरेटिव, लैंड एंड बिल्डिंग, लेबर सने रोजगार महकमा भी शामिल सी। जिक्र योग है कि लंघे वरे नवंबर महीने विच ईडी ने हवाला केस दे विच उन्हां ते छापेमारी कीती सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। हुण जिक्र करदे आं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद दिल्ली च पखे सियासी माहौल का, जिथे आम आदमी पार्टी ने 14 अप्रैल नूं संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ दिवस मनाउण दा ऐलान कीता है, तो उधर भाजपा ने केजरीवाल के इस्तीफे की मंग नूं लै के अज प्रदर्शन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में संग्राम जारी है। बीते दिन ही पार्टी सड़कों से उतरी, केजरीवाल के समर्थन के विच वर्त रख के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हुण भाजपा के खिलाफ एक होर मोर्चा खोलिया, संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ दिवस मनाने का ऐलान कर दिता। दिल्ली में केजरीवाल के घर यह मीटिंग हुई जिस विच मुख्यमंत्री भगवंत मान सने सारी लीडरशिप मौजूद सी। इसे मीटिंग में सुनीता केजरीवाल ने लीडरां नूं केजरीवाल दा सुनेहा दिता ते 14 अप्रैल नूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती दे मौके संविधान बचाओ तानाशाह हटाओ दिहाड़ा मनाण दे लई कहा। इस दिन पूरे देश दे विच पार्टी दे आगू डॉक्टर अंबेडकर दी तस्वीर सामने बैठ के तानाशाही नूं हटाउण दा संकल्प लेंगे। उन्होंने संदेश दिया है कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। दिल्ली में भी, पंजाब में भी और पूरे देश के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बाबा साहब की तस्वीर के सामने इकट्ठा होकर के संकल्प लें
कि जब तक हमारी आखिरी सांस है इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए हम दिलो जान से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस विचारे भाजपा भी सड़कां दे उतरी ते जोरदार हंगामा किया। भाजपा वर्करा ने आम आदमी पार्टी का दफ्तर घेरन की कोशिश की, जिन्हां नूं पुलिस ने वाटर कैनन की वरतों करके रोक लिया। वाटर कैनन का प्रेशर वधन दे नाल दिल्ली दे भाजपा प्रधान वीरेंद्र सचदेवा हेठां भी डिग पए। इस प्रदर्शन दौरान पुलिस ने कई बीजेपी वर्करा नूं हिरासत विच भी ले लिया। उधर भाजपा आगुआ ने केजरीवाल तो इस्तीफे की मांग भी की। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। जिक्र योग्य है कि कथित शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिस तो बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्होंने 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजा हुआ है। इस दौरान दिल्ली दे विच सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने एक दूजे के खिलाफ मोर्चा खोलिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। अरविंद केजरीवाल नूं लैके दिल्ली का तापमान, सियासी तापमान पूरी तरह गरमाया होया। हाई कोर्ट तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक मसले चल रहे ने। जेल प्रशासन तो लैके जेल विचलियां मुलाकातां तक दिल्ली की सियासत गरमाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते संजय सिंह की तिहाड़ जेल दे विच बंद अरविंद केजरीवाल दे नाल मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात रद्द होने पिछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिता गया। हुण 12 अप्रैल नूं सुरक्षा प्रबंधा नूं लैके मीटिंग होवेगी। पंजाब दे एडीजीपी, दिल्ली पुलिस अते तिहाड़ जेल दा प्रशासन मीटिंग करके सुरक्षा प्रबंधा दा जायजा लवेगा। पर बुधवार दी मीटिंग रद्द होने ते आम आदमी पार्टी दे राज्यसभा मैंबर संजय सिंह ने सवाल खड़े किए। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है, वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, ये जेल का नियम है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल दी पिटीशन भी रद्द कर दी, जिस विच केजरीवाल ने हफ्ते दे विच 5 दिन वकीलां दे नाल मुलाकात की मांग की सी। केजरीवाल ने दलील दिती सी कि उसके खिलाफ 30 तो वध पेंडिंग केस ने, इसलिए 5 दिन वकीलां दे नाल मुलाकात करने की इजाजत दिती जावे। पर केजरीवाल की पिटीशन का ईडी ने विरोध किया। केजरीवाल हुण हफ्ते दे विच सिर्फ 2 दिन अपने वकीलों नूं मिल सकणगे। उधर आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लाया कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल दे जेल तो संदेश भेजन ते जांच बिठा दिती है। परिवारिक मैंबरां अते वकील दे नाल मुलाकात बंद करन दी धमकी दिती जा रही है। वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, ये कानूनी प्रावधान है। और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैंबर में तब्दील करना चाहते हैं? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी, अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं। इस सब दे विचाले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल नूं मुख्यमंत्री दे अहुदे तों हटाउण वाली तीजी पटीशन रद्द कर दिती अते पटीशन करता ते कोर्ट दा समा बर्बाद करन दे लई 50,000 रुपए दा जुर्माना भी लाया। इस विचाले आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लाया कि बीजेपी दा मकसद केजरीवाल दा इस्तीफा करवा के पार्टी तोड़न दा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल नूं मुख्यमंत्री अहुदे तों हटाउण वाली पटीशन रद्द करके केजरीवाल नूं कुछ राहत दित्ती, पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की पटीशन ते जल्द सुनवाई करन तों इनकार कर दिता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी नूं कानूनी तौर ते सही दस्या सी अते केजरीवाल ने इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।